नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इसपे नई न्यूज। आज देश में कोई भी महफूज नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से मशहूर सिंगर मूसेवाला यानी सिद्धू की जब से जो है उनकी हत्या हुई है, उनका मर्डर हुआ है, उसके बाद हम और आप जान रहे हैं कि वाकई में आज देश में कोई भी महफूज नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ एक वादे करते हैं, उस वादे पे वो खुद भी खड़े नहीं हो पाती है। और हम सब जानते हैं कि आज बहुत दुखद दिन है और लगातार कल से दुखद दिन चल ही रहा है क्योंकि आज उनके शव को उनके घर लाया जा रहा है। उनके माता पिता का क्या हाल होगा, हमारा आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर पे भी ऐसा होता तो क्या स्थिति होती। तो उनके दुख को हम लोग बाखूबी जो है समझ सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल है जिसको हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आखिर ये जो माफिया है, ये गुंडे हैं, आखिर इसके पीछे कौन है? जो है उनका कोई पावर नहीं है, जो है जिसने किया है उसका कोई दम नहीं है, उसके अंदर कोई पावर नहीं, लेकिन इसके पीछे जो है ना वो सबसे बड़े गुंडे हैं, वो सबसे बड़ा माफिया गैंग है और उसको पकड़ने की जरूरत है, उसको दबोचने की जरूरत है। क्योंकि हिंदू मुसलमान की आर्मी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, वो एक्चुअल में गुनहगार नहीं है क्योंकि वो उन्हें तो बरगलाया जाता है, उनके दिमाग में जहर घोला जाता है, लेकिन इसके पीछे घोलने वाले तो कोई और बैठे हुए हैं, उसको पकड़ना बेहद जरूरी है, उनपे कार्रवाई करना जरूरी है। क्योंकि आज जो सिद्धू के साथ हुआ है ये तो एक आम बात इसलिए है क्योंकि ऐसी तमाम तस्वीरें हमारा आप देख रहे हैं और देखकर फिर भूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सवाल नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर हमारी जवाबदेही नहीं होती है। आज पंजाब सरकार में हुआ है तो पंजाब की जिम्मेदारी है, पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि क्यों हुआ, ये कैसे हुआ और क्यों होता रहा है। बस सरकार बोल देंगे कि बस हम किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी और उसके बाद होता ही रहता है। हम अब भूल जाएंगे, दो दिन में भूलने की हम सबको तो आदत पड़ी हुई है, लेकिन जवाबदेही सरकार की है और उस सब जवाबदेही इतना ही नहीं, उन्हें बर्खास्ती होनी चाहिए। और इसलिए क्योंकि आप नहीं देंगे तो लाजमी है कि इस तरह की घटना होते रहेंगे, वो अपनी राजनीति करते रहेंगे। क्योंकि जो इस तरह के माफिया गैंग है वहां तक पहुंचना सरकार के, इस तरह के माफिया गैंग इतनी मजबूत हो ही नहीं सकती है बिना किसी राजनीति बल के, क्योंकि ये चीज हम और आप बाखूबी तरीके से जानते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ हुआ था ये भी हम आप जानते हैं। इस वक्त बड़ी खबर यही है कि सरकार भी घेरे में है, उन पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब देता कौन आज के जमाने में? सरकार बनने के बाद कितनी ईगो आ जाती है ये आप भी जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके शव को घर ले जा रहा है, माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो लाजमी भी है, दुखद भरा दिन है तो हम सब देख रहे हैं। उनके एक लास्ट सॉन्ग जो था सिद्धू मूसेवाला की, वो भी बहुत जो है चर्चाओं में है क्योंकि उनमें वो कह रहे थे कि हमारी मौत जो है जवानी में ही होगी। ये तमाम कहानी हम सबने देखा, देखते हैं कि आखिर सरकार इस पर वाकई में क्या एक्शन लेती है और क्या कुछ कहती है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन न्यूज। नमस्कार।